हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल प्लांट के बारे में। इसकी केयर कैसे करनी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, और इसकी पॉटिंग मिक्स किस तरह से बनानी है, और इस पर कौन सी बीमारी डिजीज़ लग जाती हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का फ्लावर है, और ये हिबिस्कस प्लांट की देसी वैरायटी है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्लांट के पॉटिंग मिक्स किस तरह से तैयार करनी है। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसे पॉट में लगा रहे हैं तो एक तो पॉट आप बड़ी साइज़ का लें, और दूसरा इसकी मिट्टी जो तैयार करें वो इस तरह से तैयार करनी है। इसमें 30% आप गार्डन सोइल लेनी है, 50% आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उसमें फिर 20% रिवर्स सेंट मिलाएं, और इस तरह से इसकी सोइल तैयार करनी है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को एसिडिक सोइल पसंद है, इसलिए इसमें इस तरह का पॉटिंग मिक्स का रेशो रखना है, और फिर जो है इस प्लांट को लगाएंगे तो इसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी इस प्लांट की, और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, इस प्लांट को पानी देते टाइम इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस प्लांट के पॉट में पानी रुके नहीं, इसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए और मिट्टी में थोड़ी नमी बनी रहे। आप जब भी पानी दें तो मिट्टी को चेक करके दें, जब ऊपर की लेयर अंदर तक 1 इंच सूख जाए तभी इस प्लांट को पानी देना है। और गर्मियों में जब सूखी हवाएं चलती हैं तब इस प्लांट को जो है पानी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आपको डेली इसको वाटरिंग करना है। और बरसात में और ठंड में इस प्लांट को जो है पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो इन दोनों मौसम में आपको पानी देख के ही देना है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। जब इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही हो फ्रेंड्स, तब इसमें आप फर्टिलाइज़र देना बंद कर दे पूरी तरह से। जब फ्लावरिंग हो रही है तभी आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र जो है फ्रेंड्स, आप गर्मियों में बनाना पिल्स का फर्टिलाइज़र बनाकर हर 7 दिन में दे सकते हैं, या फिर महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप दे सकते हैं। और इस प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको हर बार फ्लावरिंग होने के बाद इस प्लांट की कुछ ब्रांचेस आगे से कट कर देनी है। जैसे ये फ्लावरिंग हो रही है अभी, इसके बाद इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिमिंग थोड़ी प्रूनिंग करते रहें, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस कट करते रहें, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें नई नई ब्रांचेस आएगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो हर बार फ्लावरिंग के बाद इसकी ब्रांचेस को कट करते रहें। इस प्लांट में फ्रेंड्स एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। मेरे इस प्लांट में तो नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। तो इसका कारण रहता है फ्रेंड्स, इस पे या तो मिलीबग का अटैक हो जाता है, या फिर ज़्यादा पानी देने के कारण, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग करने के कारण भी इसमें पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं, या फिर इसको जब सूर्य की रोशनी कम मिलती है या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से भी इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं, या फर्टिलाइज़र की कमी या ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी बीमारियों की, इस पर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट पे जो है स्पाइडर माइट और मिलीबग का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता रहता है। तो जब इस पर मिलीबग का अटैक हो तो आप 1 लीटर पानी में 4-5 बूंद नीम ऑयल की डाल के इस प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करें 10-15 दिन तक लगातार, तो मिलीबग जो है वो पूरी तरह से हट जाएगी। और फ्रेंड्स, सनलाइट का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। इस प्लांट को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर कम से कम 6 घंटे की सनलाइट इस प्लांट को मिले। टेरेस पे आप कहीं भी इस प्लांट को रखें, गमले को,
तो इसी जगह पे रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इसे सनलाइट मिलेगी तभी इसमें अच्छे से फूल आएंगे और अच्छी हवा आती हो इसी जगह पे आपको इसको रखना है। नहीं तो फ्रेंड्स हवा और कम धूप के कारण इस पर कई बीमारियां मिलीबग वगैरह भी लग जाती है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं और इस पर ढेरों प्लांट फूल जो है पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।